नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सभी खुश हो जाइए क्योंकि अब हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक टेंसेस। टेंसेस जिसको हिंदी में काल कहते हैं, समय, समय को निर्धारित करने वाले, समय को दर्शाने वाली वाव क्रिया। जब हम कोई क्रिया करते हैं, क्रिया लिखते हैं, वाव लिखते हैं या कोई कार्य करते हैं तो वो वाव किसी न किसी टेंस से रिलेटेड, किसी न किसी काल से रिलेटेड हमें समय के बारे में बताती है कि कौन से काल में, कौन से समय में ये कार्य हुआ है। इससे पहले हम इट इज़ अ पार्ट जी जी फॉर प्रैक्टिस। वैसे हम 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4 पार्ट भी हम टेंसेस से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं, उनको भी आपने वॉच करना है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंग्लिश विद सतवीर कल्याण चैनल के बारे में आपको पता है, इंग्लिश विद सतवीर कल्याण। तो इस प्रकार 1, 2, 4 टेंसेस रिलेटेड हम डिस्कस कर चुके हैं, वो भी अब आपने वॉच करनी है। और प्रैक्टिस के रूप में हम पार्ट ए बी सी डी ई एंड एफ वो डिस्कस कर चुके हैं टेंसेस से रिलेटेड। एक एक टेंस के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अब हम पार्ट जी डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले वाला जो पार्ट था एफ, उसमें हमने डिस्कस किया था इंडेफिनिट एंड कंटिन्यूअस। तीन इंडेफिनिट, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, और तीन कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। छह टेंसेज रिलेटेड जो सब कैटेगरी है टेंसेज की, कैटेगरी 3 है, पता है आप सबको, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। और यदि हम टोटल टेंसेज की बात करें 12 सब कैटेगरीज को मिला करके 12 टेंस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम इससे पहले वाले पार्ट में इंडेफिनिट एंड कंटिन्यूअस कंपैरिजन के रूप में, कंपैरिजन करते हुए तुलनात्मक अध्ययन कर चुके हैं। अब हम पार्ट जी में परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में अलग अलग से, परफेक्ट के बारे में अलग से और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में अलग से। अब हम रिवीजन कर रहे हैं ना, रिवाइज कर रहे हैं इसको ताकि हमारा नॉलेज, बोलो, हाँ, पूरा नॉलेज हो जाए, हमें रिवाइज हो जाए, हम भूले नहीं, टेंसेज हमारी फिंगर पर हो जाए ताकि हमें टेंशन ना हो। क्योंकि टेंस का नॉलेज हमें आ जाएगा, क्योंकि टेंसेज को, टेंसेज विद वर्ब को हम इंग्लिश की जान कहते हैं। और डिस्कस करते हुए हम इस टॉपिक में जान डाल देते हैं, ठीक है ना। और यदि आपको टेंसेज का नॉलेज सही नहीं होगा तो फिर टेंशन हो जाएगी, तनाव हो जाएगा माइंड में, तो तनाव हमने नहीं लेना बल्कि टेंस लेने हैं, टेंस सीखने हैं। लेट्स स्टार्ट। परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट जो कार्य पूरा हो चुका है, परफेक्ट कंटिन्यूअस कार्य पूरा होने के साथ साथ चल रहा है। कोई कार्य 2 घंटे पहले शुरू हुआ, कोई 4 घंटे पहले शुरू हुआ, कोई सुबह से शुरू हुआ, कोई कार्य 5 साल पहले का चल रहा है, यानी बीच साथ साथ में पूरा भी हो रहा है और साथ में चल भी रहा है, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो हम इसमें परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस रिलेटेड है, यदि हिंदी में आप पहचान देखेंगे, कहीं आपको वाक्य लिखा मिले चुका है, लिया है, लिया था, चुका था, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, चुका था, चुके थे, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका होंगे, चुके होंगे, होंगे गागे की साथ में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। और जब परफेक्ट की और कंटिन्यूस की हम बात करते हैं, परफेक्ट में जैसे हम हैज हैव का, हैड का या विल हैव का प्रयोग करते हैं, परफेक्ट में
तीनों परफेक्ट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, हैज हैव लगाते हैं, या तो हैज लगेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, या हैड, या हैव, या विल हैव, यही तो लगेंगे। और जब आप परफेक्ट कंटिन्यूअस को दोहराएंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट हम जो पहले डिस्कस कर चुके हैं तो कुछ न कुछ रूल परफेक्ट वाला भी इसमें लागू होगा, इसलिए तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस का भी रूल कुछ न कुछ लागू होगा, कंटिन्यूअस का और परफेक्ट का भी, दोनों का कम्बिनेशन होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कैसे? यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हम हैव बीन, हैड बीन, या विल हैव बीन, यानी विल हैव, हैड या हैव लगाएंगे। लेकिन परफेक्ट में हमने थर्ड फॉर्म लगाई थी, इसमें हम थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि कंटिन्यूअस में क्या होता है, कार्य चल रहा होता है, चलने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं ना कंटिन्यूअस में, तो ठीक है ना। इसलिए इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी से पहले हम बीन का प्रयोग करेंगे, वी डबल ई एन बीन, चाहे हैव हो, हैज हो, या हैड हो, बीन लगाएंगे उनके साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन परफेक्ट में बीन नहीं लगता, हैज, हैव, हैड या विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लग जाती है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम इंडेफिनेट कंटिन्यूअस, इंडेफिनेट एंड कंटिन्यूअस, हालांकि हम परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये तो हम रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि आपका जो नॉलेज है कन्फर्म हो जाए, परफेक्ट हो जाए, आपका, आपको किसी प्रकार की कोई शंका, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं परफेक्ट को और परफेक्ट कंटिन्यूअस को। लेट्स स्टार्ट। वह अपना कार्य कर चुका है, ही हैज डन हिज वर्क, मैं अपना कार्य कर चुका था, आई हैड डन माई वर्क, वे अपना कार्य कर चुके होंगे, दे विल हैव डन देयर वर्क, हम सुबह से अपना कार्य कर रहे हैं, वी हैव बीन डूइंग आ वर्क सिंस मॉर्निंग, सुनीता दो घंटे से अपना कार्य कर रही थी, सुनीता हैड बीन डूइंग हा वर्क फॉर टू आज, वे इस विद्यालय में 5 वर्ष से पढ़ रहे होंगे, दे विल हैव बीन स्टडिंग, अध्ययन करना, पढ़ना, स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स। तो आपने देखा कि इनकी जो पहचान हम देखते हैं, इसमें चुका है, इसमें चुका था, इसमें चुके होंगे, इसमें रहे हैं अर्थात से रहे हैं, इसमें रही थी अर्थात से रही थी, इसमें रहे होंगे अर्थात से रहे होंगे, साथ में से लग गया है, से लगा हुआ है। जब ओनली कंटिन्यूस की बात हम करते हैं ना, कंटिन्यूस की, फिर उसमें से नहीं आता, कोई उसमें टाइम मेंशन नहीं होता कंटिन्यूस में, उसमें तो सीधा हो जाता है वे इस विद्यालय में पढ़ रहे होंगे, बस इतना होता है, ये नहीं होता कि 5 वर्ष से, 2 वर्ष से, 3 वर्ष से, जब समय मेंशन हो जाता है, टाइम मेंशन हो जाता है, तो फिर वो परफेक्ट कंटिन्यूस से रिलेटेड हो जाता है, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे। तो इसमें देखते हैं हम, चुका है परफेक्ट है, परफेक्ट कौन सा है, प्रेजेंट, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट से रिलेटेड हम पहचान पहले भी कर चुके हैं, दोबारा फिर कर रहे हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब या तो हैज आएगी या हैव, हैव या हैज, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ, ही, सी, इट, कोई नाम है किसी का, सिंगल नेम है, हैज लगाएंगे। और आई के साथ आई हैव, हालांकि आई तो सिंगुलर है, मैं सिंगुलर है, एक वचन है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये थर्ड पर्सन नहीं है, ये तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ये तो फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ हैव लगाएंगे। और बाकी जो प्लूरल हैं, या वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, प्लूरल में आ जाए, उनके साथ हम किस, क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, और उसके बाद फिर बोलो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। तो करें इसमें, ही हैज डन, थर्ड फॉर्म आ गया इसमें, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, डू, डिड, डन, ठीक है, वह अपना कार्य कर चुका है, वह कर चुका है, क्या कर चुका है, डन कर चुका है, हैज डन कर चुका है, क्या कार्य है, और कार्य किसका है, अपना,
अपना का मतलब हिज, और हिज किससे रिलेटेड है, ही से, क्योंकि ही प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है, और ही जो प्रोनाउन है ही से संबंधित, तो उसका, उसके के लिए हिज यानी पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ही से रिलेटेड, ही से रिलेटेड क्या होगा, हिज होगा, इसलिए हिज वाक आ जाएगा, ही हैज डन हिज वाक। इसमें माई या आवर थोड़ा आएगा, क्योंकि ही से संबंधित तो पोजेसिव जो प्रोनाउन आएगा हिज आएगा। ठीक है, मैं अपना कार्य कर चुका था, आई हैड, इसमें हैड आ गया क्योंकि चुका था, पास्ट परफेक्ट, इसमें हैड आता है, थर्ड फॉर्म आती है, हैड, सभी के साथ हैड आता है इसमें, इसमें तो हैज और हैव दो आते हैं हेल्पिंग वर्ब, या तो हैज आएगा या हैव, ठीक है, इसमें केवल हैड, ओनली हैड, एच ए डी हैड, आई हैड डन, थर्ड फॉर्म, वाक, कार्य कर चुका था, ठीक है, किसका, मेरा, अपना, यहाँ भी अपना है, यहाँ भी अपना है और यहाँ भी अपना है, ये अपना वह से रिलेटेड है, ही से रिलेटेड है, इसलिए हीज हो गया, ये जो अपना है ये मैं से रिलेटेड है, मैं, तो मैं का क्या होगा, मेरा, मेरे के लिए क्या आएगा, माई, पोजेसिव प्रोनाउन में, पोजेसिव प्रोनाउन में क्या आएगा फिर, माई आएगा, पोजेसिव डिटर्मिनर्स के रूप में भी हम इनको यूज करते हैं, माई, तो यहाँ माई आ जाएगा, आई हैड डन माई वाक, वे अपना कार्य कर चुके होंगे, चुके होंगे, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट, इसमें क्या आएगा, विल हैव आएगा, शैल हैव भी लगाते थे हम पहले, बट यदि हम मॉडर्न ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें, अब हम शैल को केवल मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग करते हैं, विल को लगाते हैं फ्यूचर टेंस में, विल को, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा दे, वे, वे के लिए क्या आएगा, दे, एक, यदि एक आदमी है कोई, ही आता है सिंगुलर के लिए, औरत या लड़की के लिए सी आता है, और जब उनका प्लूरल करेंगे ही या सी का, बहुवचन करेंगे तो क्या आएगा, वे, और वे के लिए क्या लगाएंगे, दे, दे विल हैव, सबके साथ विल हैव, दे विल हैव, डन, कर दिया है, क्या कार्य, ठीक है, और कार्य किसका है, किसका कार्य किया, अपना, ये भी अपना है, लेकिन ये अपना किससे रिलेटेड है, वे, उनसे रिलेटेड है, वे का मतलब दे, तो देर के लिए अपना क्या आएगा, दिया, दिया, उनका, एक टी एच ई आर ई भी होता है, टी एच ई आर ई, देर, वहाँ, वो वहाँ के लिए आता है, ठीक है ना, देर, वहाँ, कई बार हम उसको डमी सब्जेक्ट के रूप में या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में लगाते हैं, देर आर 40 रूम्स, देर आर 40 क्लास रूम्स इन माई स्कूल, ठीक है ना, तो ये हम देखते हैं टी एच ई आर ई, उसकी सेंस अलग है, उसका मीनिंग अलग है, ये है इनसे रिलेटेड, दे, उनका, उनका मतलब अपना, क्या, दे, टी एच ई आई आर, देयर, टी एच ई आई आर, देयर वाक, वे अपना कार्य कर चुके होंगे, दे विल हैव डन देयर वाक, अपना मैं, माई, अपना वह, हिज, क्लियर है सबको, नेक्स्ट, हम अब देखो, ये तो परफेक्ट से रिलेटेड तीनों टेंस कंप्लीट हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, इनमें एक समानता क्या है कि तीनों में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव आएगी, और पास्ट परफेक्ट में हैड आएगी, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव आएगी, हेल्पिंग वर्ब विल और हैव, क्लियर है सबको। अब हम बात कर रहे हैं से रहे हैं, से साथ में आ गया, टाइम मेंशन हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, परफेक्ट के साथ कंटिन्यूस भी हो गया, क्योंकि चल रहा है ना, इसलिए अकेला परफेक्ट तो कार्य पूरा हो चुका है, कि कार्य है ही नहीं, कंप्लीट हो गया कार्य तो, लेकिन ये एक है परफेक्ट, कार्य पूरा होने के साथ साथ कुछ कार्य पूरा हुआ है, लेकिन कार्य चल भी तो रहा है, इसलिए कंटिन्यूस भी है वो, इसलिए इसमें रहा है, रहे हैं आता है, या रही थी, या रहे होंगे, और इसकी पहचान क्या, देखें, स्टार्ट, हम सुबह से अपना कार्य कर रहे हैं, हम, वी, ठीक है, कार्य करना, डूइंग, रहे हैं ना, तो डू शायद आ गया, डूइंग हो गया, ठीक है, अपना, देखो यहाँ भी अपना है, अपना 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 अपना, लेकिन ये अपना सब्जेक्ट के साथ देखना है, अपना कौन सा है, सब्जेक्ट है, हम, वी, तो वी का अपना क्या आएगा, आर, 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 ओ यू आर, आर,
हमारा अपना का मतलब हमारा, वी आर हमारा, ठीक है ना। तो वी हैव, हम सुबह कर रहे हैं, वी हैव बीन, यदि आई आ जाए तो भी आई हैव बीन आएगा, यदि ही आ जाए ना वहाँ, वह सुबह से अपना कार्य कर रहा है, वह ही आ जाए मान लो, या लड़की के लिए सी आ जाए, सी या ही, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे हम, ही या सी, हैज बीन डूइंग हिज, और लड़की के लिए हा वर्क सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ फिर हैज बीन आएगा ही या सी के लिए, लेकिन ये तो वी प्लूरल है इसलिए हैव बीन आएगा। वी हैव बीन डूइंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, किसमें, परफेक्ट कंटिन्यूस में, और इसमें परफेक्ट का क्या रूल हुआ, देखो हैव इसमें आया हुआ था, देखो इसमें हैज हैव परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट का हमने हैव या हैज ले लिया, लेकिन इसके साथ बीन लगाया, कुछ ऐड भी तो करना पड़ेगा ना, हमें नेक्स्ट टेंस से रिलेटेड बीन लगा दिया, और बीन लगाने के बाद क्या किया, फिर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया। हालांकि हैव बीन के साथ कई बार थर्ड फॉर्म भी आती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैव बीन के साथ आती है, लेकिन वो आती है प्रेजेंट परफेक्ट के, प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव सेंटेंस को जब पैसिव में चेंज करते हैं ना, फिर हम हैज हैव के साथ बीन लगा करके थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस नहीं है, बल्कि ये तो एक्टिव वॉइस है, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, इसलिए इसमें हैव बीन के साथ हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। फिर आवा हमारा वर्क सिंस, इसमें सिंस क्यों आई देखना है आपने, क्योंकि ये देखो सिंस ऑफ और दो आएंगे, से रिलेटेड टाइम मेंशन होगा तो उसमें दो वर्ड आएंगे, एक सिंस आएगा या फो आएगा, एफ वा फो, जब पीरियड ऑफ टाइम है, एक ड्यूरेशन है, दो घंटे से, तीन घंटे से, पाँच साल से, दस मिनट से, यानी एक अवधि के बारे में जिक्र है, वर्णन है, तो हम फो का प्रयोग करेंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है कोई, 2005 मार्च 2019, मार्च 2020, दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे से, तो निश्चित समय हो गया, फिर हम सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ है, सुबह से, सुबह तो निश्चित है, सुबह का सो समय है, जब सूर्य निकलने को होता है तो सुबह का समय होता है, वो निश्चित समय है, क्योंकि दोपहर के समय को तो हम सुबह का समय नहीं कह सकते ना, तो निश्चित समय हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, इसलिए वहाँ सिंस लगाएंगे मॉर्निंग के लिए। वी हैव बीन डूइंग आ वर्क सिंस मॉर्निंग, और यदि यहाँ ये होता है 2 घंटे से कार्य कर रहे हैं, फिर यहाँ आ जाता है फॉर टू आवर्स, क्योंकि वो 2 घंटे ड्यूरेशन हो जाता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सुनीता 2 घंटे से अपना कार्य कर रही थी, हैड बीन आएगा, रही थी ना, से रही थी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसलिए इसमें हैव बीन या हैज बीन की जगह हैड बीन आ जाएगा, सुनीता हैड बीन डूइंग, वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आए एनजी। अब देखो सुनीता, अब यहाँ भी अपना, लेकिन अपना किसका, सुनीता का, सुनीता कौन है, लड़की है, वो लड़की के लिए क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे, पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में, पोजेसिव डिटरमिनर्स के रूप में हर का प्रयोग करेंगे, लड़का होता तो हिज लगा देते, वी हम, वी है तो आर लगा देंगे, दे वे है तो देयर लगा देंगे, टी एच आई देयर, बिल्कुल, और यू आ जाता है तो यू योर्स लगा देंगे, फिर वाई ओ यू आर एस योर्स, फिर योर्स लगा देंगे, वाई ओ यू आर एस योर, यू योर, फिर योर आ जाएगा, क्लियर है ना। तो सुनीता हैड बीन डूइंग हर वर्क फोर टू आवर, इसमें फो आ गया, देखो यहाँ सिंस आया था क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम था, निश्चित समय था सुबह का, लेकिन ये कहता है कि 2 घंटे से, 2 घंटे कौन से हैं, 2 घंटे से लगातार क्रिया चल रही है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए फो का प्रयोग हो गया। और यदि यहाँ आ जाता दोपहर के 2 बजे से, 2 घंटे से नहीं, आ जाता दोपहर के 2 बजे से, फिर आता सिंस 2 PM, फिर सिंस आता, क्योंकि दोपहर बाद जो 2 बजते हैं वो निश्चित समय हो गया, 2 घंटे नहीं, 2 बजे से सिंस 2 PM हो जाता, फिर ये तो 2 घंटे, इसलिए फो आ गया, सुनीता हैड बीन डूइंग हर वर्क फॉर 2 आवर्स। हावर नहीं, कोई बच्चे हावर बोल लेते हैं, एच ओ यू आर हावर, एच तो साइलेंट है इसमें,
अच्छा साइलेंट है, आवा आ आ की साउंड आ गई इसमें, आवा आवाज। स्मिता हैड बीन डूइंग हा वर्क फॉर टू आवर्स। वे इस विद्यालय में 5 वर्ष से पढ़ रहे होंगे। इस विद्यालय में विल हैव तो परफेक्ट में आता है ना, और फिर थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जो परफेक्ट कंटिन्यूस भी तो है साथ में, इसलिए इसमें आईएनजी आएगा, स्टडी के साथ स्टडिंग आईएनजी आ जाएगा, स्टडी के साथ आईएनजी स्टडिंग। लेकिन विल हैव के बाद और स्टडिंग से पहले एक वर्ड हम यूज करेंगे, कौन सा, बीन, बी डब्ल्यू एन बीन, तो इसमें भी हमने बीन का उपयोग किया, हैव बीन, हैड बीन, तो विल हैव के साथ भी बीन आ जाएगा। स्टडिंग इन द स्कूल फॉर फाइव ईयर्स, 5 साल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यदि यहाँ ये लिखा होता 1996 लिखा होता, मान लो 1996 लिखा होता, 1996 लिखा होता, फिर सिंस आता, सिंस 1996, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता, निश्चित समय हो जाता। तो ये सारे सेंटेंसेज हमने अफर्मेटिव सकारात्मक लिखे, जिसमें नॉट नहीं लगा। यदि नॉट वाले नेगेटिव इनको बनाएंगे तो फिर ये कैसे बनेंगे, ये भी देखना है हमें। देखो, वह अपना कार्य नहीं कर चुका है। ही हैज नॉट, हैज के बाद नॉट, हेल्पिंग के, हेल्पिंग वर्क के बाद और मेन वर्ब से पहले नॉट लगा देंगे, इस वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है। ही हैज नॉट डन हिज वर्क। मैं अपना कार्य नहीं कर चुका था। आई हैड नॉट डन, नॉट डन, थर्ड फॉर्म से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। आई हैड नॉट डन माई वर्क। वे अपना कार्य नहीं कर चुके होंगे, नहीं कर चुके होंगे। दे विल नॉट हैव, विल और हैव के बीच में नॉट लगाना, कई बच्चे विल हैव के बाद नॉट लगाते हैं, गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म आएगी, इसलिए नोट यहाँ लगाएंगे। दे विल नॉट हैव डन देयर वर्क। हम सुबह से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। वी हैव नॉट बीन, वी हैव बीन नॉट नहीं, बल्कि वी हैव नॉट फिर बीन, वी हैव नॉट बीन डूइंग आ वर्क सिंस मॉर्निंग। सुनीता 2 घंटे से अपना कार्य नहीं कर रही थी। सुनीता हैड नॉट बीन डूइंग हर वर्क फॉर 2 आवर्स। वे इस विद्यालय में 5 वर्ष से नहीं पढ़ रहे होंगे। दे, अब देखो यहाँ कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को और ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ तो उसने सीख लिया था। देखो, आपने एक ध्यान रखना है, यहाँ पर आपने विल और हैव के साथ नॉट कहाँ लगाया था, विल के बाद लगाया था, विल नॉट हैव लगाया था ना, तो यहाँ भी आपने विल नॉट हैव लिखना है। कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, भाई मैं नॉट यहाँ हैव और बीन के बीच में लगाऊँ या विल हैव के बीच में लगाऊँ, कन्फ्यूजन होगा ना, गड़बड़ होगी, उसका जल्दबाजी में वो यहाँ लगा दे हैव के बाद, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आपने यहाँ देख लेना, अभी विल और हैव के बीच में लगाया था हमने, तो यहाँ भी तो विल हैव है, इनके दोनों के बीच में लगा देंगे नॉट, इसलिए हो जाएगा दे विल नॉट हैव, दे विल नॉट हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। और यदि ये इंट्रोगेटिव आ जाए, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो, वह अपना कार्य कर चुका है, इसकी बजाय आएगा क्या वह अपना कार्य कर चुका है, ये आ जाएगा, इसको चेंज करो। जो हैज है ना, जो हेल्पिंग वर्ब है ना, जो भी हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है, वो सारे के सारे जो हेल्पिंग वर्ब है जिस सेंटेंस में लगाई है, हमने सब्जेक्ट से पहले यानी स्टार्टिंग में लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, बस बाकी जो कहता हूँ, तो है ना आसान। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी मुश्किल नहीं है, बस आपने हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा देनी है। कैसे, क्या वह अपना कार्य कर चुका है, हैज ही, अब ही हैज था ना, तो हैज ही हो जाएगा। और इसमें एक ध्यान रखना है, अब इसमें ही स्टार्टिंग में है तो एच कैपिटल है, ठीक है, लेकिन जब हैज हम शुरू में लगाएंगे तो एच कैपिटल होगा हैज फिर, और ही का एच स्मॉल लेटर में हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, कभी इसको कैपिटल रख दो, हैज ही आ जाएगा, फिर हैज स्टार्टिंग में हैज, फिर ही डन हिज वर्क साइन ऑफ इंटरोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके हम फिर
क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। आगे देखें, क्या मैं अपना कार्य कर चुका था, क्या मैं अपना कार्य कर चुका था, हैड आई, हैड सबसे पहले आ जाएगा और एच कैपिटल आ जाएगा, और लेकिन आई फिर भी कैपिटल आएगा, आई सिंगल आई कहीं भी लिखते हैं हम, चाहे सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिखें, चाहे सेंटेंस के बीच में लिखें, चाहे सेंटेंस के लास्ट में लिखें, अकेला आई तो हम उसको हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, बड़ा करके लिखते हैं, छोटा नहीं। हैड आई डन माई वर्क, साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्या वे अपना कार्य कर चुके होंगे, विल दे, क्या वे अपने कार्य कर चुके होंगे, विल सबसे पहले, विल दे, डब्ल्यू कैपिटल आ जाएगा, विल दे हैव डन देयर वर्क, साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्या हम सुबह से अपना कार्य कर रहे हैं, क्या हम सुबह से अपना कार्य कर रहे हैं, हैव वी, हैव सबसे पहले, हैव वी बीन, हैव फिर वी बीन डूइंग आ वर्क सिंस मॉर्निंग, साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्या सुनीता दो घंटे से अपना कार्य कर रही थी, क्या और क्या के लिए, हेल्पिंग सबसे पहले, हैड सुनीता बीन डूइंग हर वर्क फॉर टू आज, क्या वे इस विद्यालय में 5 वर्ष से पढ़ रहे होंगे, क्या वे, तो ये विल है ना, तो सब्जेक्ट के बाद रहा, ये विल सबसे पहले आ जाएगा, विल दे डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा, दे का टी स्मॉल हो जाएगा, ठीक है ना, विल दे हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स, तो इट इज़ रिलेटेड अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेज, नकारात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य। तो आपने देखा कि पार्ट दर पार्ट हर एक पार्ट में हमने इनडेफिनिट से स्टार्ट किया कार्य, फिर हमने कंटिन्यूस से रिलेटेड किया, फिर हमने परफेक्ट से रिलेटेड किया, फिर हमने परफेक्ट कंटिन्यूस से रिलेटेड डिस्कस किया, फिर उसके बाद रिवीजन करते हुए एफ पार्ट में हमने इनडेफिनिट और कंटिन्यूस से रिलेटेड डिस्कस किया, और इस पार्ट जी में हमने परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस से रिलेटेड डिस्कस कर लिया। हो गई ना फुल तैयारी, हो गई ना टेंशन खत्म, हो गई टेंशन खत्म, क्यों, क्योंकि हमारे को टेंस का नॉलेज हो गया, हमें टेंस का नॉलेज हो गया, टेंस का ज्ञान हो गया, इसलिए हमारी टेंशन खत्म। और यदि आप वर्ब अच्छी तरह से वर्ब की भी तैयारी कर लें, फर्स्ट वर्ब जैसे डू डिड डन, और उसके बाद फिर हम आईएनजी लगाते हैं डूइंग, तो इस प्रकार कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स की भी आपने दोहराई रिवीजन अच्छी तरह से कर लेना चाहिए, कि जब आप किसी टेंस से रिलेटेड सेंटेंस लिखें उसमें आपको मान लो फर्स्ट वर्ब लिखनी पड़ जाए, फर्स्ट वर्ब तो आप लिख सके, सेकंड लिख सके, थर्ड लिख सके, या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आसानी से लगा सके, तो इसी प्रकार खुशी खुशी लगे रहिए, जोश के साथ, होश के साथ, जुनून के साथ, और इसी प्रकार आनंद लेते हुए इंग्लिश का नॉलेज बढ़ाते रहिए। तो इंग्लिश सीखने से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे, बिकॉज इट इज राइटली सेड, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मैं भी यदि कोई बात सीख रहा हूँ या सीख चुका हूँ, मैंने प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस की है, और प्रैक्टिस करते करते सीख रहा हूँ और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपके साथ भी कोई समस्या यदि है वो अपने आप दूर हो जाएगी, यदि आप लगातार सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे। सीखना भी है और सिखाना भी है, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करनी है, फिर नोटबुक में नोट करना है ये सारी बातें जो हमने सीखी हैं, अपने ब्रदर सिस्टर की, पेरेंट्स की हेल्प लेनी है, अपने टीचर्स की, रिस्पेक्टेड टीचर्स की भी हेल्प आपने लेनी है, टीचर से ज़रूर पूछते रहिए बीच बीच में जब आपको कोई समस्या आती है। तो माई सेल्फ सतवीर, इंग्लिश लेक्चरर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है, क्योंकि आप बड़े लगन के साथ सीख रहे हैं।
मेरे साथ तालमेल करते हुए डिस्कस कर रहे हैं। खुशी खुशी अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।